हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके सुभिजान पे। इसका नाम अंकित सिंह है, एचएससी 12 बोर्ड एग्जाम 2025 के स्टूडेंट। हो मैथ्स के इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में अगर सोच रहे हो कि कौन से चैप्टर्स में कर लो जो मुझे आसान लगे, पर भाई देखो, अगर आप यार किसी एंट्रेंस को देख रहे हो या अगर आप सीटी देना चाहते हो, जेई देना चाहते हो, तो इजी ये सब कोई वर्ड आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। हर आपके लिए हर एक चैप्टर वो होना चाहिए जिससे आपका मार्क्स बढ़ पाए। पर अगर फिर भी आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और तो भी जानना चाहते हो कि इजी चैप्टर्स कौन से होते हैं, तो अगर मैं पार्ट वन की बात करूंगा, पार्ट वन में यार मैं पूरे मैथ्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो जो इजी और स्कोरिंग चैप्टर होते हैं वो हमारे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इजी भी होते हैं और थोड़े से उनकी वेटेज भी अच्छी खासी होती है। तो मैथमेटिकल लॉजिक ये हमारा पहला चैप्टर भाई, पर इसका एक दिक्कत है ना, जो बच्चे ना भाई मतलब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में ज्यादा घुस जाते हैं, उस सबको ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक उनको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है भाई, उनको लगता है वो, क्योंकि इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आप इस पे अच्छे से ध्यान दोगे तो ये भाई कुछ ही चीज इस पे सीखने वाली होती है और आसान होती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये 8 मार्क का वेटेज आपके पेपर में लगता है तो काफी बड़ा वेटेज है। फिर बात करेंगे मैट्राइसिस, भाई मैट्राइसिस पे यार हर साल के सवाल जो है उस पर बन रहे हैं, लगभग 2 सवाल हर साल देखने मिलते हैं इससे। और यार आसान, देखो सवाल थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि एकदम इजी सवाल आते हैं, पर हाँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मतलब जल्दी से आप मास्टर कर सकते हो, तो आसान चैप्टर है। तो ये हो गया 6 मार्क्स, तो ये स्कोरिंग चैप्टर्स में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब बोलोगे सर ये कहां से इजी में आ गया, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री यार 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, 11वीं से आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है, सब कुछ पता है। तो यार अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका यार फंक्शन कुछ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा, फिर यार आपको कुछ एसओटी के फॉर्मूले होते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के, उन सब पे यार साइन रूल को साइन रूल, ये सब पे यार बेसिक सवाल बनते हैं। अपने टेक्स्ट बुक के अगर सवाल लगा लोगे अच्छे से 1 से 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार, तो आपके यार 10 नंबर यहाँ पे कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। और यार नेक्स्ट बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपको करने, तो ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है भाई, मतलब आसान है। जॉइंट इक्वेशन की लाइन ये सब बतानी है आपको, कोई दिक्कत नहीं आती, आसान है। मतलब देखो क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस माइंड रखी, क्योंकि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, तो ये भी एक इजी और स्कोरिंग चैप्टर में आपका आएगा, जो कि 6 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब यार लीनियर प्रोग्रामिंग भाई, इससे हर साल 1-4 मार्क का सवाल कन्फर्म रहता है भाई, ठीक है। मैक्सिमाइज पे आएगा या तो मिनिमाइज पे आएगा, अब यार ये अपना दोनों का एक देख लो, मैक्सिमाइज वाला भी देख लो, मिनिमाइज वाला देख लो, दोनों अगर एक बार आपको समझ गया कि कैसे करना है, ये सवाल आप पक्का बना के आ जाओगे। अगर आपसे भाई एग्जाम में कोई प्रेशर में आके कुछ गलती नहीं करोगे, तब तक तो ये सवाल सही होने वाला है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे 5 मार्क के सवाल और बाइनोमियल, भाई ये तो भाई बहुत बेसिक है यार, मतलब ये लास्ट के चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ इसमें फॉर्मुलेस वगैरह पे हैं, वही फॉर्मुले आप पे बनते हैं, उसी पे सवाल आते हैं, ठीक है। 5-5 मार्क का आपको सवाल इसमें देखने मिलता है। तो टोटल अगर मैं आपको बात करूं, टोटल जो है ये पूरे इजी चैप्टर्स का बात करेंगे तो 44 मार्क्स का वेटेज आपके पेपर में रखता है, 44 मार्क्स का। अगर यार आप ये 44 लाते हो तो ऑब्वियसली आप एक पास तो हो गए, अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स आप अगर इसी में जोड़ दोगे, अगर 20 में से आपको मैं मानता हूं 18 या 19 भी मिल जाए, तो आपके अच्छे खासे 64 या फिर आप समझो 60+ आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका इजी और स्कोरिंग चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लो, पर अगर हम बात करेंगे यार क्या सर डिफिकल्ट चैप्टर क्या होते हैं, तो डिफिकल्ट चैप्टर वो ना भाई जो असल में डिफिकल्ट होते नहीं है, पर बच्चे उनका नाम सुन के उसको डिफिकल्ट समझते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, सबसे पहले चैप्टर के नेम देखते हैं, तो देखो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसी को हम एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन। तो भाई देखो बिल्कुल अगर सीधे अक्षरों में बोलूं ना, ये जो है ना मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने का मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें तो आनी चाहिए यार, डिफरेंशिएशन, एओडी, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट, एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे भाई, ये 6 के 6 चैप्टर जो है ना, ये 6 चैप्टर जो पहले 6 दिख रहे हैं, 6 चैप्टर जो है एक दूसरे से लिंक है। मतलब डिफरेंशिएशन जिसको आता है वो एओडी में टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल, और यार आपकी बहुत सारी जो आपका अप्रोक्सीमेशन पे सवाल, ये सब आराम से बना लेगा, क्योंकि सब चीज डिफरेंशिएशन के ऊपर चलती है वहां पे। फिर यार अब जो डिफरेंशिएशन जानता है वो यार इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन भी जानता है, क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और भाई डिफरेंशिएशन में तो बेसिक आपको स्टेप दिए होते हैं, अगर 2 चीज मल्टीप्लाई में तो यू इंटू वी लगा लो, 2 चीज डिवाइड में तो यू बाय वी रूल लगा लो, कुछ कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन याद कर लो, साइन का कॉस, फिर साइन इनवर्स का 1/√1 - x², टेन इनवर्स का 1/1+x², ये सब याद कर लो। तो देखो डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स का वेटेज रखता है, एओडी 9 मार्क का वेटेज रखता है, तो बड़ा वेटेज है भाई, इनको छोड़ना, देखो इनको छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको कम से कम इस पे एफर्ट डालना है। अगर मुश्किल सवाल आएंगे तो आप पेपर में सोच सकते हो, पर इजी सवाल तो बना के आने भाई, यार बहुत इजी सवाल इन पे देखने मिलते हैं। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन क्या है यार भाई, आपको यार टेंजेंट की इक्वेशन, अगर एक स्लोप दिया हुआ है उसका dy/dx निकालो, पॉइंट दिया है टेंजेंट, अगर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो 2 ही चीज तो चाहिए होती है, एक आपको स्लोप एक आपको पॉइंट, तो दोनों तो दी हुई है। अब यार इनडेफिनाइट भाई, इनडेफिनाइट में 10 मार्क का आपको सवाल देखने मिलता है, यार बेसिक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह पे सवाल आ जाते हैं, बायपार्ट्स पे सवाल आ जाते हैं, कुछ थ्योरम्स वगैरह पे सवाल आ जाते हैं, तो ये सब।
यार इन अब यार डेफिनेट से 6 माह का सवाल, डेफिनेट में भाई थोड़ी सी बच्चों को परेशानी आती है क्योंकि प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती हैं और वहां पे यूज देखने मिलती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। एप्लीकेशन और डीआई में भाई ये है तो इजी, पर कभी कभी कुछ कुछ ऐसे कर पे बच्चों को सवाल आ जाता है तो वो समझ ही नहीं पाते कहां से कहां हमको लिमिट रखनी है वगैरह वगैरह, सोच नहीं पाते। ठीक है तो ईजी है, पर हाँ प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें दोनों का यूज आता है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो गया चाहे वो डिफरेंशिएशन, दोनों अगर किसी को अच्छे से आता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएगा। पर जो स्टैंडर्ड वेंडर है वाई बाय एक्स वाले, तो ये सब तो आपको डिग्री वगैरह पहचानना डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये सब तो आपको आना ही चाहिए, तो बेसिक है ना, ये तो 1-2 मार्क्स के लिए आ जाए। अब वेक्टर्स वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा भाई, 12 मार्क के लिए बड़ा वेटेज है और लाइन एंड प्लेन 10 मार्क का। तो ये वेक्टर और लाइन एंड प्लेन जिसको 3D ज्योमेट्री, ये दोनों एक साथ ही बच्चे पढ़ाते हैं, जिससे क्या है आपको एक दोनों लिंक है दोनों। ठीक है अब यार ये पूरा वेटेज जो रखता है आपके एग्जाम में 68 मार्क्स का वेटेज रखता है भाई, तो अगर ये 68 और वो 44 जोड़ देते हैं तो टोटल आपका 112 मार्क्स का पेपर आता है जो कि ऑप्शन के साथ होता है, और इसमें आपसे आपको 80 मार्क्स जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब विदाउट ऑप्शन 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जो हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा मतलब कम कम हो जाएगा, जो ऑप्शन के साथ है वो कम हो जाएंगे, तो 112 मार्क्स। अब यार इनमें से अगर 68 में से मैं मानता हूं यार भाई आप सारे नहीं भी करो, कम से कम भाई आधा मतलब इसमें से कुछ तो लाने की कोशिश करोगे, पूरा तो आपका नहीं कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर आप अगर MSTCT को फोकस कर रहे हो तो MSTCT इन चैप्टर्स के बिना आप कैसे पढ़ोगे भाई, MSTCT 2025। और मैं आपको बता दूं मैंने अपने जो चैनल है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन ला चुका हूँ, AOD ला चुका हूँ, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन चल रहा है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन सब लेके आने वाला, वो भी फ्री है कोई नहीं, और अच्छे सवाल CET के लेवल के सवाल और बीच बीच में JEE के सवाल और बोर्ड के सवाल तो कवर हो ही रहे। तो चलो ठीक है, ये अगर आपको समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।